राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना कोर्ट परिसर के सामने बुरा ही हाल है। विद्यार्थियों को पैर रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि बरसात के मौसम में पूरा पानी यही विद्यालय में ही इकट्ठा होता है और कुछ पानी कम होने के कारण बाहर जाने लगा। परंतु ये बरसात के 3-4 महीने ऐसे ही विद्यार्थियों के निकल जाते हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थी आते हैं, कुछ नहीं आते और पढ़ाई चौपट में ऐसे सरकार नेता लोग कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी विद्यालय में पढ़ाओ। ये विद्यालय अर्थात क्लासरूम से 5 से 6 फुट नीचे है, जिसके कारण पूरा बरसात का पानी यहीं जमा हो जाता है। पानी रोकने के लिए कुछ तो काम अर्थात मेन गेट का हुआ और कुछ ऊपर उठकर कराया, परंतु ऊपर उठाकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस मेन गेट शोपीस ही रह गया। इसी बरसात के पानी भरने के कारण विद्यार्थी यहाँ एडमिशन नहीं लेते, परंतु यह अक्सर देखने में आया कि इस विद्यालय के विद्यार्थी मेहनती होशियार होते हैं, जो इस विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, तथा यही इसी विद्यालय में लगभग 2-3 सालों से राजकीय महाविद्यालय भी चल रहा है। जैसे नगर परिषद व हॉस्पिटल को ऊपर उठाकर बिल्डिंग बनाई, वैसे ही यहाँ पर ऊपर उठाकर नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। यहाँ के नेता तो सिर्फ खाने में लगे हैं, ये चाहते तो यहाँ कब की ऊपर उठकर नई बिल्डिंग बन जाती। अगर विद्यालय की ऐसी स्थिति रही तो यहाँ विद्यालय का स्टाफ रहेगा, परंतु पढ़ाने के लिए विद्यार्थी नहीं होंगे। यहाँ के नेता भामाशाह व जनता इस विद्यालय की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इनको पता नहीं यहाँ के विद्यार्थी कितनी मुश्किल से ये पानी पार करके पढ़ने आ रहे हैं। ये विद्यालय भगवान भरोसे है, जब ऊपर के भगवान की फटकार लगेगी तब इस विद्यालय के बारे में सोचा जाएगा।